नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आप समाज में देखेंगे कि छोटे मोटे शहर में अगर रह रहे हैं तो व्यक्ति शहर में रह रहे हैं और गांव में उनका ना छोटा सा घर है, और रह कहाँ रहे हैं परमानेंट शहर में। तो जितना भी पैसा कमाएंगे ना, जितना भी पैसा कमाएंगे वो सारा का सारा एक गाँव में घर बनाए, सारा उसमें झोंकते जाएंगे या फिर प्लॉट खरीदते रहेंगे। यहाँ जो है शहर में वो जैसे तैसे रह रहे हैं, जैसे तैसे रह रहे हैं, और यहाँ आलीशान घर बना के रख दिया है। रह यहाँ 365 दिन रहे हैं, 5 दिन 7 दिन 10 दिन गांव जाते हैं, और वहाँ इतना पैसा झोंक दिया है कहने का वर्णन नहीं है। आप सब जगह देखेंगे, मैं यहाँ चंडीगढ़ में रह रहा हूँ, यहाँ भी लोगों को ऐसे देखता हूँ, यहाँ जैसे तैसे रह रहे हैं। मैं ऐसा कभी नहीं किया, मैं जहाँ रहा वहाँ आलीशान से रहा, क्योंकि 30 40 साल तो गुजर गया, तो जहाँ रहा ऐसे ही मस्ती से रहा। दूसरे को देखता हूँ जैसे तैसे जहाँ पे रह रहे हैं, और वहाँ जहाँ नहीं रहते हैं वहाँ सब कुछ सुख सुविधा है। अब यहाँ का बात करें तो यहाँ का घर रेंट पे है, यहाँ खरीदा नहीं है और यहाँ अपना है ही। तो यहाँ पे मैं आपको एक क्लोज रिलेटिव का उदाहरण देता हूँ, जिन्होंने आज से 20 साल पहले 20 लाख रुपया लगा के गाँव में घर बना दिए, और आज एज लगभग 60 हो चुका है। कहते हैं कि ये भाग दौड़ का ज़िंदगी जो शहर है ना, इससे निकलना चाहते हैं और गांव में जाके बसना चाहते हैं। सबके मन में यही फीलिंग होता है, इसलिए वो सारा पैसा ज़िंदगी का गांव में झोंकते जा रहे हैं, झोंकते जा रहे हैं कि एक न एक दिन यहाँ आ जाएंगे, पर वो एक दिन कभी नहीं आता है। होता क्या है कि ये जो भाग दौड़ का ज़िंदगी यहाँ कमा रहे हैं पैसा, ये पैसा कमा रहे हैं 1 लाख रुपये पर मंथ, अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, 1 लाख रुपये पर मंथ कमा रहे हैं। अब यहाँ से यहाँ आना चाहते हैं तो सारा पैसा तो यहाँ झोंक दिया, कुछ ज़मीन खरीद लिया, बाकी पैसा घर में लगा दिया, तो अब कैश पैसा तो है ही नहीं। यहाँ जैसे ही छोड़ेंगे इस भाग दौड़ के ज़िंदगी, शहर को छोड़ के आना चाहते हैं, मन में इच्छा है कि इसको छोड़ देते हैं, जितना कमाना था कमा लिया, अब एज हो गया, शरीर साथ नहीं देता है, चलो छोड़ दिया। छोड़ जैसे ही देंगे 1 लाख रुपये पर मंथ जो कमा रहे थे तो बंद हो गया। अब जब गाँव आ जाएंगे तो फिर जीवन यापन कैसे होगा, कैश पैसा तो है नहीं। तो ये सब चीज़ 20 साल पहले भी मेरे दिमाग में ये सब बात चलता था, गरीब घर से था, एकदम ही गरीब था, लेकिन समाज में ऑब्जर्व करता था कि भाई जो व्यक्ति अमीर भी था वो भी गरीब हो गया कुछ दिन के बाद, ऐसा क्या गलती किया तो उसने गरीब हो गया। तो यहाँ पे मैंने उनको 20 साल पहले बताया था कि इस 20 लाख रुपया को मत आप ऐसे जगह पे लगाइए जहाँ पे आप 365 दिन नहीं रहने जा रहे हैं, आप शहर में जा रहे हैं, काम करने जा रहे हैं, मेहनत करेंगे, अच्छा कमाएंगे, वहाँ वहीं रहिए, वहीं सब कुछ लगाइए, वहाँ सुख सुविधा अपनाइए। लेकिन उनका कहना था लोग क्या कहेंगे। मेरी बीवी जी भी कभी कभी ऐसे ही बोलती है, बीवी जी कि लोग क्या कहेंगे, अभी तक आप अपने अपना घर नहीं लिया है। तो मैं अपनी वाइफ को बोलता हूँ कि उस 5 आदमी का नाम बताओ जो मेरे बारे में क्या कहेंगे। आपको भी कभी कभी ऐसे समाज में रिलेटिव से सुनने मिलेगा ना कि लोग क्या कहेंगे, उनको खट से आप बोलिएगा 5 आदमी का नाम बताओ कि कौन क्या कहेंगे। तो मेरी बीवी भी हंसने लगती है कि क्या किसका नाम लें भाई, तो किसी का नाम हो ही नहीं पाएगा, बता ही नहीं पाएंगे, और जिनका जिनका नाम बताएंगे वो खुद हंसने लगेंगे, अच्छा ये कहेंगे इनके वजह से हम ये काम ना करें। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि वो 20 साल जो मेहनत का पैसा था उनके पास 20 साल पहले, वो अगर इन्वेस्ट करके छोड़ देते, कहाँ इन्वेस्ट करके छोड़ते, तो मिड कैप कैटेगरी में 20 साल पहले ना 20 लाख जमा करते, 15 लाख ही जमा करते, और 5 लाख रुपया लेके शहर में आलीशान घर में रहते, सारा सुख सुविधा का चीज़ ले लेते, रेंट पे रह रहे थे, अभी भी रह रहे हैं, तब भी रहते, लेकिन सारा सुख सुविधा का चीज़ होता, और 15 लाख रुपया जो बचा हुआ है वो इन्वेस्ट कर देते। फंड का नाम है निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड, सुंदरम मिड कैप, फ्रेंकलिन, आदित्य बिरला, टॉरस डिस्कवरी, क्वांट मिड कैप, ऐसे करके 5 6 फंड है। कब, आज से 20 साल पहले 2002 में, आज चल रहा है 2022। 15 लाख रुपया हर फंड में इन्वेस्ट किया, 15 लाख है तो एक ही फंड का बात करता हूँ, पैसा कितना है, इकाई दाई से कड़ा, 1,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 12 करोड़ है। एक मिनट रुक जाइए, आप यदि अभी अभी सब्सक्राइबर बने हैं, नए बने हैं, तो आपको ये सब समझ में नहीं आएगा। यहाँ जो है ना हमारे सब्सक्राइबर जो 35,300 सब्सक्राइबर हैं, वो काफ़ी पढ़े लिखे और खोपड़ी वाले हैं। तो अगर तो आप सपना चौधरी के डांस का ठुमका देखने वालों में से हैं तो ये बात समझ में नहीं आएगा, आप स्किप कीजिए वीडियो, दूसरे डांस क्लास में ज्वाइन कीजिए। यहाँ पैसा 15 लाख का 12 करोड़ बनाया है, और सबसे खराब वाला फंड का बात करते हैं, 1 करोड़ 76 लाख रुपये बनाया है, सबसे खराब फंड है,
क्वांट मिड कैप इस फंड ने 15 लाख का 1,76,00,000 बनाया है। अगर इतना भी पैसा उनके पास कैश में होता ना, वाइट बिना डर वाला, टैक्स पेड किया हुआ वाला, तो गांव आराम से आते और अपना जीवन यापन करते। वो नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये पैसा है नहीं। अगर एवरेज में बात करूं कि सब में 15 लाख रुपए डिवाइड कर, जैसा मैं हमेशा बोलता हूं कि आप अपने पैसे को 5 मिड कैप 5 स्मॉल कैप में लगा दीजिए, डाइवर्सिफाइड करके, कौन अच्छा कौन खराब पता नहीं, सब में लगा दिया, तो एवरेज के रूप में 7,41,00,000 बनाया है 20% के रेट से, जबकि इंडेक्स ने 3,78,00,000 बनाया है। एवरेज कितना बनाया? 7,41,00,000, 15 लाख वन टाइम इन्वेस्ट किया 20 साल पहले, जो कि मैं आंखों देखा बता रहा हूँ। मेरे रिलेटिव ने उस घर को कंस्ट्रक्ट करने में 20 लाख रुपया जिंदगी का झोंक दिया और आज उनके पास इतना पैसा नहीं है कि अपने पसंद का वो जिंदगी फर्दर जी सकें। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड में पहली बार इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। ऐप का और मेरे सर्विस का लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है। आप चाहें तो अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में, वेलफेयर मीटिंग में हमसे फाइनेंशियल प्लानिंग का क्लास करा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो अपने रिलेटिव्स के पास व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।